तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी 9 बजने वाले हैं और मैं फिर से रोज़ की तरह कॉलेज के लिए निकल चुका हूं। और अभी अभिषेक आएगा, अभिषेक के साथ से मैं निकल जाऊंगा। तो चलो इंतज़ार करते हैं, रोड पे चलते हैं, वहां पे थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे। बाकी सामने से देखो कौन जा रहे हैं। हेलो, क्या हो गया? हेलो, डर गई तो गाइज मैं कॉलेज से निकल चुका हूँ और अभी मैं सर्किट चौक पे पहुँचा हूँ। यहाँ से एक और ई रिक्शा है या फिर टेम्पो पकड़ के पहुँच जाएंगे अपने घर। वैसे भी आज फास्ट है, जल्दी से घर पहुँचे हैं, नहीं तो क्या पता कुछ घटना ना घट जाए। तो बस पहुँचते हैं घर से देखते हैं। शाम के 5 बजने वाले हैं और मेरे को हेयर कट करवाना था, तो मैंने सोचा चलो हेयर कट करवा के आते हैं। और फिर उसके बाद कल तो सैटरडे हो जाएगा, तो कल कटवा सकते नहीं हैं, तो आज ही कटवा लेते हैं। तो चलो चलते हैं शॉप पे और कटवाते हैं। तो फाइनली गाइस हेयर कट हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार और वक्त लग गया कटवाने में। चलो कोई ना, हमारा बच्चे फास्ट है तो सही है, टाइम कंज्यूम हुआ अच्छे तरीके से। चलो घर चलते हैं और थोड़ा नहाते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो गाइस अभी मम्मी लगी है पूजा में, क्योंकि आज है तुलसी विवाह, जिसको हमारे मतलब बिहार में कहते हैं देवउठान कहते हैं, मतलब तो वो पूजा चल रही है। बाकी अभी मम्मी लगे पूजा में और आज पूरी फैमिली मतलब फास्ट पे थी। मैं दो दिन से भूखा था, मतलब तो मेरा एक दिन फास्ट का हो गया, एक दिन ऐसे ही रह गया, तो 2 दिन से कुछ खाया नहीं था। अब थोड़ी देर में खाऊंगा, तो अभी तो पूजा चल रही, दिखाता हूँ मैं आपको। देख सकते हो सारे प्रसाद तैयार हैं और मम्मी पूजा शुरू करने वाले, बस पापा को आना बाकी है। ये हमारे देवी देवता। तो गाइस फाइनली मम्मी आ चुकी है यहाँ पे तुलसी के पौधे के पास, और अब यहाँ पे जो पूजा होगी वो होगी, उसके बाद फिर सबका मतलब कुछ खाने का टाइम होगा, तो फिर खाना बनाएंगी मम्मी, तो सबको खिलाएंगी। तो फाइनली गाइस हमारा खाना आ चुका है, जो कि है फ्राइड आलू और इसमें व्रत वाला नमक जो आता है सिंधा नमक वो। तो गाइस माता श्री अपना लग चुकी हैं सिंघाड़े के पकोड़े बनाने में और यहाँ पे तेल गरम हो रहा है। तो गाइस मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं और क्या कहते हैं, रात को मैं सो गया था, खाया उसके बाद पता नहीं क्या सर में दर्द होने लगा, मतलब शायद ज़्यादा देर से नहीं खाया था उसकी वजह से। तो मैं डायरेक्ट लेटा, मम्मी ने एक प्लेट और बनाया था, वो खा ही नहीं पाया, केले रखे हुए थे केले भी नहीं खा पाया, तो फिर नींद सी आ गई एकदम बहुत ज़्यादा तेज। तो फिर मैं उसके बाद एडिटिंग कर आधी अधूरी की, उसके बाद फिर रह गई, फिर उसकी तो कोई टेंशन नहीं, वो तो हो गई थी जो अपलोड होने वाली थी। बाकी आज का दिन बहुत ज़्यादा ही मतलब थकावट भरा था, पहले तो कॉलेज से आए, कॉलेज से आने के बाद पूजा करना था, सब कुछ ऊपर से फास्ट में थे, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो बहुत कुछ हुआ। तो बस इतना ही था आज के व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना उसको इतना शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से प्यार बढ़ता है, तो कर लिया करो, करते क्यों नहीं हो लोग, इतना सपोर्ट कर दो यार,
फ्री की चीजें हैं तो फ्री की चीजों को तो तुम लोग एक्सेप्ट करनी चाहिए, दबा दो बटन। तो गाइस ये हमारा प्लेट है जो रात को माता सेन ने दिया था और अभी तक ऐसे रखा हुआ है क्योंकि तो हम खा नहीं पाए। साथ में हमारे लिए 3 केले थे, 3 क्या 4 है ना, 4 है, 4 4 केले नारियल प्रसाद में, तो इतना कुछ हमें मिला था। बट पहले बार में ही हमारा खाने के बाद जो सर में दर्द शुरू हुआ वो सीधे नींद से उठने के बाद ही खत्म हुआ, क्या ही कर सकते हैं। तो फिर मिलते किसी नए व्लॉग में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।